मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज हमारा दूध पत्रिका डे ट्रिप है। एज़ यूजुअल हम लोग वहाँ मेन स्टैंड पे हमारे ड्राइवर ने छोड़ा, और आपको पता ही है पोनी वालों और इनका बहुत ही सब मिल बांट के खाते हैं। भैया मैं लेट के चला जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा घोड़े से। तो रास्ते पर घोड़े वाले परेशान करते रहते हैं और इनको ऐसा लगता है जैसे हम मतलब किसी को भी लूट लो। मतलब 3-4 किलोमीटर का आई थिंक ट्रैक होगा और उसका 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं वहाँ हम पर बर्फ पे ले जाएंगे। हाँ बर्फ पे ले जाएंगे। और मैंने मजाक से बोला कि मैं 5000 दूंगा, तो एक घोड़े वाला बोलता है मैं 6000 लूंगा। तो अभी देखते हैं, हम लोगों को भी नहीं पता है, हम गूगल से पढ़ के आए हैं कि एक्चुअली वॉक करके जा सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली गम बूट्स का भी ज़रूरत नहीं होता है। अभी देखिए नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, फिर स्विट्जरलैंड वाली फील आ रही है। वहाँ पहुँच के पता करते हैं। वैसे रोड तो पूरा अच्छा दिख रहा है रास्ता, और इसमें इतना गंदगी भी नहीं है, होपफुली हम जा सकते हैं। तो एक्चुअली हम लास्ट ईयर यूरोप गए थे, वहाँ पे हम रोज़ 10-15 किलोमीटर चला करते थे। उससे हमारा वेट भी 4-5 किलो कम हो गया था। तो होपफुली हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी वाले कुछ जा रहे हैं, बट वही ड्राइवर वालों का और पोनी वालों का नेक्सस है यहाँ पे, तो ये लोग नहीं जाने देते हैं। जाने देते होंगे पता नहीं, आपको पता हो तो बताना। मजे के घोटे वाले अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। कितना रेट देंगे क्या सर? कितना है, कितने पैसे में देंगे? 11-11 दो घोड़े का 2200 ज़्यादा नहीं सर, पूरा 600 नहीं भैया, 1000 रुपये देंगे। अभी आधा तो आ गए हम, ठीक है कोई बात नहीं, अभी लेट के जा रहे हैं। पहले आएगा आपको शाही पेंट, शाहीना पेंट आएगा जहाँ पे मुगल लोग रहते हैं। उसके बाद आएगा हमारी दरगाह शरीफ, उसके बाद आएगा ऋषि खाल, उसके बाद आएगा दूर दूर रिवर आएगा, जिग जैक आएगा जहाँ पे आने भट्ट की राजी मूवी बनी है, मुर्खे ने देखो जिसको, पूरा 6 स्पॉट आएगा। वो जो रिवर है जहाँ पे एक्चुअली वो दूध है सर, बिल्कुल सर, रिवर शाली गंगा रिवर। हाँ जी जी, वो वहाँ से हमें जाने पड़े, वो रोड दिख रहा है ना उस साइड। तो 1000 रुपये फाइनल ना सर जी? कसम से नहीं बोला, कम हो रहा है सर, 200 से कुछ नहीं सर जी, कसम से 600 रुपये करो। मजा पूजा, लाइव नेगोशिएशन चल रहा है, आप लाइव नेगोशिएशन देख रहे हैं सर जी? सर जी कर लो सर, मैंने आप दीदी को कन्विंस कर लो तो बैठ जाओ। बैठो सर, बैठो सर, बैठो सर, बैठो सर, बैठो सर, बैठो सर, चलो सर बैठो आप। 500 फाइनल? हां सर फाइनल। हम लोग घोड़े पे फाइनली बैठ चुके हैं, इन्होंने हमें कन्विंस कर दिया। हमने नेगोशिएशन स्टार्ट किया था 5000 से, अभी 500 में एक हॉर्स लिया है। छोटे बच्चे थे शाही लोग सर, उनके मुंडन यहाँ काटते सर। दीदी रशी खल उन छोटे बच्चे थे ना शाही लोग, 40 दिन के बच्चे, उनके मुंडन यहाँ काटते। ये पूरा राउंड ट्रिप कितने किलोमीटर का है? हाँ लगभग 6-7 किलोमीटर, मतलब पैदल आ सकते हैं आराम से। नहीं, आप तो बैठ गए, आप तो आप असली बता दो। नहीं सर बैठने की बात नहीं, देखो आप तो सर खींच कितनी, आपने जूता नहीं पहना है। तो रोड है ना ये, तो वहाँ तक रोड है, वहाँ से हमको साइड में वो रोड है ना, हमको फिर नीचे जाना है वो जो नदी के पास। हाँ नदी शाली गंगा दूध दूंगा सर, शाली गंगा पे चलेंगे ना, वो शाली गंगा से नाम है ना सर, वो उसमें होता है शाली गंगा पे दूध गंगा भी सर, एक ही है। हाँ सर नंबर आस के ना, नहीं पता है किसने गवा घोड़ा कर ऊपर तो ऊपर तो इतना नहीं गा रहा, तो नहीं गा रहा है सर।
कहाँ जा रहे हैं? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो ये एक मेन पॉइंट है जिसका नाम है शालीगंगा रिवर, और जो दूध पत्री नेम है वो इसी के नाम से पड़ा है। दिल्ली बहुत ही ब्यूटीफुल है। द ओनली साउंड हेयर इज ऑफ वाटर एंड सम बर्ड्स। इसको बोलते हैं जिग जैग पॉइंट। ये काफ़ी सुंदर मीडो टाइप का लग रहा है। यहाँ पे भीड़ बकरियाँ चल रही, और हमारे घोड़े वाले भैया लोग ने बताया कि यहाँ पे राजी मूवी की भी शूटिंग हुई थी। तो आपको एक 360 डिग्री दिखाते हैं। वो देखिए वहाँ पे स्नो आ रही है अभी भी, फ्रेश स्नो। जितना भी दूर देख सकते हैं आप, प्लेन घास है। ये आपका काम है खिलाना, हमारा खाना चलना ना सकते। तो हम लोग अपनी पोनी लेके आ चुके हैं, और आई थिंक हमारी वन ऑफ द चीपेस्ट पोनी रही होगी। और एक टिप और आपके साथ शेयर करना चाहते थे। एक्चुअली जहाँ पे स्टैंड होता है, यू शुड नेवर टेक पोनी फ्रॉम देयर, बिकॉज वहाँ पे आपको हाईएस्ट चार्ज करेंगे। आप जैसे जैसे पाथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, वो रेट एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होते जाते हैं। एंड जस्ट वॉक 100-200 मीटर्स मेन रास्ते पे, आपको एटलीस्ट 50-70% डिस्काउंट ऐसे ही मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी जगह है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। आई थिंक वहाँ पे फ्रेश स्नो आ रखी है, और यहाँ पे पूरा ये मीडोज वगैरह है। हमें वहाँ कुछ भेड़ वाले लोग भी मिले जो कि अपने भेड़ों को चरा रहे थे, और ये पूरा पाइन और देवदार के पेड़ों के बीच में इतना बड़ा सा ग्रासलैंड है। आई थिंक ये हमें गुलमर्ग से बेटर लगी ना, ये डेफिनेटली गुलमर्ग से बेटर है, क्योंकि गुलमर्ग बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है। हमने वहाँ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, क्योंकि सब कीचड़ कीचड़ हो चुका है, और वही पोनी और कैब वालों का नेक्सस है, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं वो। तो ये थोड़ा सा ऑफबीट प्लेस है, आई थिंक कुछ सालों में ये भी हो जाएगा गुलमर्ग जैसा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप आ सकते हो। और यहाँ पे प्रॉपर रोड्स भी बनाए हुए हैं, कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बिना पोनी के नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली जूते अच्छे होते जा सकते। हाँ एक्चुअली शूज़ का मेन प्रॉब्लम है, हमने इस बार शूज़ नहीं लिए थे, थोड़े से गंदे हो गए हैं, बट इट्स ओके। अगर आपके पास गम बूट्स हैं, हाँ गम बूट्स लेके जा सकते हैं। गम बूट्स आप रेंट कीजिए, और फिर आराम से बिना पोनी के जा सकते हैं, विल डेफिनेटली रिकमेंड। तो हमने वहाँ पे शालीगंगा रिवर भी देखी, जो कि यहाँ मेन पॉइंट है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था, दूध पत्री। और बाकी वो आलिया भट्ट की कौन सी मूवी थी, ओ फायदा, राजी, आलिया भट्ट की राजी का भी शूटिंग हुआ था यहाँ पे। ओ अब वहाँ देख सकते हैं कितना मिस्टिक माहौल हो रहा है, एकदम पेड़ के पास से बादल आ रखे हैं। आई थिंक बारिश आने वाली है यहाँ पे। आप देख सकते हैं अभी ये पूरा बादलों से भर चुका है, अभी मौसम एकदम क्लियर था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ग्राउंड तक में बादल आ गया है। वो माउंटेन्स हमें दिख रहे थे कुछ देर पहले, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा हूँ सही टाइम पे आ गए, अब निकलते हैं यहाँ से। नीचे हम लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएंगे, और श्रीनगर जाएंगे। यहाँ पे हम मक्के की, यहाँ की फेमस मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए रुके हैं विद बॉनफायर। बहुत ठंडी है, काफ़ी फेमस है यहाँ की। विल टेस्ट कैसा रहता है।
और ये यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पे आप जो फ्लावर्स देख रहे हैं ये वाले, ऐसी पूरी झाड़ियाँ की झाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, जो कि जून जुलाई के मौसम में रंग बिरंगे फूल हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हम लोग आएंगे कभी यहाँ समर्स में भी। ये है सरसों की, सॉरी सरसों का साग, प्याज, अचार और मक्के की रोटी, काफ़ी टेस्टी है। एंड श्रीनगर से दूधपत्री का रास्ता कश्मीर के बाकी रास्तों जितना ही सुंदर है। रास्ते में आपको बहुत सारे एप्पल ट्रीज दिखेंगे जो कलरफुल फ्लावर्स से भरे हुए रहते हैं। एप्पल्स यहाँ पे एक्चुअली इतने कॉमन हैं कि बहुत सारे कश्मीरी लोग अपने घरों और गार्डन्स में भी लगाते हैं। और एप्पल्स का कल्टिवेशन यहाँ सितंबर अक्टूबर में होता है। अगर आप उस टाइम पे कश्मीर आओगे तो आप लिटरली पेड़ से तोड़ के एप्पल खा सकते हो। यह है कश्मीर के लाल चौक का एरिया। सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है हमें कहाँ शॉपिंग करने जाना है, बस ऐसे ही देखने आ गए थे।